बुचा के करीब एक और नरसंहार की खबर आ रही है। यूक्रेन पुलिस का दावा है कि लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है और कहा तो ये जा रहा है कि इन लोगों को लंबे समय तक टॉर्चर किया गया और फिर सिर में गोली मार दी गई। पिछले 24 घंटे में 20 शव मिल चुके हैं। ये सभी आम नागरिक बताए जा रहे हैं कि क्षेत्र में 8 सामूहिक कब्रें मिली हैं और ऐसे में ये समझ लीजिए कि बुचा के बाद की जो तस्वीरें हैं यूक्रेन में किस तरह से बर्बरता की सामने आ रही है। बुचा के करीब यानी कि बुचा के बेहद नजदीक एक और घटना हुई है जो नरसंहार की खबर है। यूक्रेन पुलिस का यह दावा है लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इन लोगों को लंबे वक्त तक टॉर्चर किया गया और फिर सिर में गोली मार दी गई। पिछले 24 घंटे में 20 शव मिले हैं और ये सभी आम नागरिकों के बताए गए हैं। इलाकों में सैनिकों की बर्बरता के एक के बाद एक किस्से सामने आ रहे हैं। आज एक बड़े जो मास ग्रेव को जो कीव रिज पुलिस ने यहाँ पर निकाला है उसमें से ये तस्वीरें दूसरे छोर की हैं, जहाँ पर आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कैमरामैन पंकज तोमर, जहाँ पर देख सकते हैं आप कि कैसे कितना यहाँ पर गड्ढे बड़े किए गए पुलिस के जवानों द्वारा और वहाँ से उन शवों को निकाला गया था। रॉकेट लॉन्चर्स मिले हैं, ये एक देख लीजिए, उसके बाद ये दूसरा देख लीजिए, उसके बाद आप वहाँ पर तीसरा देख लीजिए। लगातार इस इलाके में आप एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, लेकिन लगातार एक के बाद एक वहाँ से शवों को अंदर से निकाला जा रहा है गड्ढों में से। और वहाँ पर रॉकेट लॉन्चर्स भी पाए गए थे, बताया जा रहा था रॉकेट लॉन्चर भी साथ में रखे गए थे कि जब इनको बाहर निकाला जाए तब जो निकालने वाले हैं उन लोगों की जान भी जाए। और इसी के चलते बेहद सुरक्षितता को देखते हुए, ध्यान में रखते हुए एक के बाद एक वहां पर देखिए इस तरीके के गड्ढे बड़े बड़े जहां पर इन शवों को अंदर दफनाया तो नहीं कहेंगे लेकिन सीधे तौर पे उन शवों को फेंका गया था और फिर उसको जो है टैंकों से ऊपर जो मिट्टी थी वो ऊपर से टैंक है वो ऊपर से चलाई गई थी। तो एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ऐसे लगातार कहें कि अब तक 1200 से ज़्यादा जो आधिकारिक आंकड़ा है पुलिस का उसके मुताबिक इस रीजन में, कीव रीजन में 1200 से ज़्यादा शव बरामद हुए हैं। उसमें से 248 शव की अब तक तो पहचान तक नहीं हो पाई है और इस इलाके में लगातार इस तरीके से मास ग्रेव, तो ऐसी मास ग्रेव यहाँ पर मिलते जा रहे हैं। रूसी सैनिकों की बर्बरता के किस्से यहाँ पर कहा जा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि ये सारे जो वॉर क्राइम्स हैं वो रूसी सैनिकों ने किए हैं। और एक के बाद एक, थोड़ी देर पहले ही एक पास की जो इलाके में रहती एक महिला को यहाँ लाया गया था वो शव की पहचान कराने के लिए, तो उन्होंने पहचान कराई, उनके रिश्तेदार ही वहाँ पर निकले, तो एक एक व्यक्तियों को यहाँ पर लाकर मारा गया और उसके बाद उन शवों को फेंका गया था। और बेहद ब्रूटालिटी जिसे कहें, बर्बरता यहाँ पर रूसी सैनिकों द्वारा यहाँ पर दिखाई गई थी। और लगातार इसके बाद एक ये यहाँ पे जो मास ग्रेव्स हैं वो इसके इलाके में फिलहाल मिलते जा रहे हैं। कैमरामैन पंकज तोमर के साथ जनक दवे, न्यूज 18 इंडिया, बुचा। तो सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि बुचा के करीब एक और नरसंहार की खबर, जहां ये कहा जा रहा है कि लोगों के शव तितर बितर पड़े हुए हैं। यूक्रेन का दावा है कि इन्हें मारने से पहले बर्बरता की गई है। ग्राउंड जीरो से देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। कीव पुलिस ने एक बड़ा मासग्रेव यहाँ पर इस इलाके में ढूंढा है, ये बुचा, जहाँ जो नरसंहार के लिए जो जाना गया। यहाँ पर देखिए न्यूज 18 इंडिया के टीवी स्क्रीन पर आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे एक एक करके लोगों को मारा गया था। यहाँ पर ये स्थानीय लोग हैं, सिविलियन हैं, जिनको ये निशाना बनाया गया था। जो कीव पुलिस के चीफ ने जो बताया, जो जानकारी है उसके मुताबिक 1200 से ज़्यादा इस इलाके में 1200 से ज़्यादा लोगों को मारा गया। और यहाँ पर जो लोग हैं उसमें से 150 जितने लोग हैं उनके शव अब तक यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं हो पाए हैं। और इस इलाके में देखिए ये कीव पुलिस द्वारा ये तस्वीरें आपको विचलित करती है कैसे बर्बरता बरती। यहाँ पर जो पुलिस चीफ ने जो जानकारी दी न्यूज 18 इंडिया को, उसके मुताबिक पहले सबको जो है यहाँ के स्थानीय नागरिक उनके पाँव में गोलियां मारी गई, उसके बाद उनके हाथ वैसे बंधे हुए थे, पाँव में गोली मारने के बाद उनको काफ़ी यातनाएं दी गई और उसके बाद उनके सर पर गोली मारी गई। ऐसे जो ये पूरा मास ग्रेव है जहाँ पर, कैमरामैन पंकज तोमर जरा बताएं, पंकज आप ये तस्वीरें दिखाएं, ऐसे ये जहाँ पर ये अभी दिखा रहे हैं आपको तस्वीरें वहाँ पर ये लाश एक के बाद एक यहाँ पर जहाँ से शव निकाले जा रहे हैं और 148 से ज़्यादा। दूसरी तरफ ये सामने कैमरा पंकज यहाँ पर आपको दूसरी तरफ दिखाएंगे, यहाँ पर आए पंकज ये देखें
ये जो सामने जो छोर है वहाँ पर फिलहाल चूंकि माइंस बिछी हो सकती है ऐसा बताया जा रहा है, इसके चलते वहाँ पर अभी नहीं जा पा रहे, लेकिन पुलिस ने अभी ये पूरा कॉर्डन किया है। ये अभी बताया जाए कि 18 मार्च से ग्रेव है जहाँ पर लोगों को मार कर डाल दिया गया, दफना भी नहीं गया। और सीधे हम रुक कर लेते हैं उस जगह पर जहां से जानकारी मिल रही है कि बुचा के बेहद करीब वो इलाका है जहां पर एक बार फिर से नरसंहार की खबरें आ रही हैं। लाइव हमारे साथ जनक जुड़े हुए हैं। जनक, सबसे पहले तो आप ये जो जाबाज रिपोर्टिंग कर रहे हैं अपना बिल्कुल आप ख्याल रखिएगा, क्योंकि आप अभी अब रिपोर्ट देख रहे थे आपकी, तो आप बता रहे थे कि वहां पर माइंस बिछे हुए हैं। जरा बताइए इस बारे में कैसे जानकारी हासिल हुई कि बुचा के करीब एक और नरसंहार इतने व्यापक स्तर पर किया गया है? देखिए, आज पुलिस की ओर से, जो कीव पुलिस की ओर से ये जानकारी दी गई कि यहाँ जो माकारिव करके जगह है वहाँ पर इस तरीके का बर्बर कहे कि नरसंहार किया गया। मैं यहाँ पर कुछ तस्वीरें पहले अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरा जो जंगल है वहाँ पर कैमरामैन पंकज तोमर मेरे साथ आएंगे, दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाएंगे कि कैसी स्थितियाँ हैं यहाँ पर। अभी भी यहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। हमको जब आए तब कहा गया था कि ये जो छोटी जो सड़क जैसा आपको दिख रहा है उसी पे चलना है, अगर आप आगे पीछे जाएं तो हो सकता है वहाँ पर खतरा बना हो, क्योंकि यहाँ पर माइंस बिछाई गई थी रशियन सैनिकों द्वारा। अब एक के बाद एक आप तस्वीरें जरा देखते रहिएगा। ये पहली तस्वीर जहाँ पर देखिए इस तरीके से छोटे छोटे गड्ढे जिसको बनाया, ये दूसरा गड्ढा यहाँ पर आप देखिए, ये तस्वीरें न्यूज़ 18 इंडिया के स्क्रीन पर। अब आपको मैं ये तीसरा, यहाँ पर देखिए ये तीसरा जो है गड्ढा यहाँ पर आपको ये दिख रहा है। यहाँ पर जो 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 चलने की जो अब यहाँ पर कड़ी है वहीं पे हमें चलना है, उससे ज़्यादा जाने पर खतरा बना हुआ है। ये चौथा देख लीजिए, ये कितना बड़ा, यहाँ पर सब शव दफनाए गए थे। अब इसके आगे हम नहीं जाते चूँकि इसके आगे जाने के लिए मना किया गया था। ये पाँचवा, ये छठा, ऐसे लगातार ये इस इलाके में आप जाएँ। और दूसरी ओर आपको मैं ले चलता हूँ जहाँ पर आपको ये रास्ते में दिख रहे होंगे, यहाँ टैंक्स चले थे, अभी भी ये रास्ते पर आपको ये दिख रहा है, उसके जो निशान है वो साफ तौर पर दिख रहे हैं कि यहाँ कैसे टैंक्स चले थे। और इसी जगह से इन लोगों को, इन बुचा के आसपास के लोगों को यहाँ पर लाया गया, बर्बरता बरती गई। यहाँ पर देखिए ये बड़े बड़े गड्ढे, एक शव अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से की कपड़े यहाँ पर है, आप देखिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ एक शव पड़ा था जिसको अभी यहाँ से निकाला है की पुलिस ने, उसका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है। सामने ये भी तस्वीर देखिए, उसके आगे भी आप देखेंगे तो लगातार इस तरीके से यहाँ मास ग्रेव मिलते जा रहे हैं। यही दिखा रहा है कि उनको पहले बांधा गया, फिर पाँव में गोली मारी गई, बहुत यातनाएं दी गई और उसके बाद सर पर गोली मारी गई। ये वो रास्ता है जो आगे जाएंगे तो वहां पर रिस्क बहुत है। लगातार तस्वीरें हम तक पहुंचाते रहेगा, हम आगे भी आपसे जुड़ेंगे। तो बर्बरता की सारी हदों को पार करते हुए ऐसा लग रहा है कि किस तरह से यूक्रेनी नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया गया है, लेकिन बुचा के बाद एक और नरसंहार की इस तरह तस्वीरें सामने आना जिसके साक्ष्य भी हमारे रिपोर्टर दिखा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि युद्ध का जो स्तर है वो अब कितना नीचे हो चुका है।